लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। भूख से बेचैन होकर 3 मिनट पहले लंच ब्रेक लेना कर्मचारी को पड़ गया महंगा। बॉस ने दी ऐसी सजा। जापान से इन दिनों एक अजीबोगरीब मामला चर्चा में बना हुआ है। समाचार एजेंसी एएफपी की खबर के अनुसार यहां टोक्यो के पास कोबो शहर में वाटर वर्क्स ब्यूरो का कार्यालय है। जापान से इन दिनों एक अजीबोगरीब मामला चर्चा में बना हुआ है। समाचार एजेंसी एएफपी की खबर के अनुसार यहां टोक्यो के पास कोबो शहर में वाटर वर्क्स ब्यूरो का कार्यालय है, जिसमें काम करने वाले एक कर्मचारी की आधे दिन की तनख्वाह इसलिए कट गई क्योंकि उसे भूख लगी थी और 3 मिनट पहले लंच करने के लिए अपनी सीट से उठकर चला गया। इस कंपनी दोपहर के भोजन का अवकाश 1 बजे से शुरू होता है, जबकि वो 12:57 पर ही सीट से उठ गया था। इस कर्मचारी के वक्त से पहले लंच पर जाने की जानकारी जैसे ही उसके बॉस को हुई, उसने एक मीटिंग बुलाई और वहां पर फैसला सुनाया कि उसकी हाफ डे की सैलरी काट का ऐलान कर दिया। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग इस बात के पक्ष और विपक्ष में अपने कमेंट लिख रहे हैं। वैसे ज्यादातर लोग इस बात के खिलाफ हैं। कुछ का कहना है कि क्या अब स्मोकिंग और बाथरूम जाने का टाइम भी तय किया जाएगा और उससे अलग जाने पर सजा मिलेगी। मामले के चर्चित होने के बाद कंपनी की ओर से आधिकारिक रूप से माफी मांगी गई है। अधिकारियों ने कहा कि जो हुआ वो गलत है और वे उसके लिए शर्मिंदा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी के नियम बेशक सख्त हैं, पर उनका उद्देश्य कर्मचारियों को परेशान करना नहीं बल्कि काम पर उनका फोकस बनाए रखने के लिए है, ताकि हर कार्य समय पर पूरा हो सके। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब जापान में इस तरह की मामूली लापरवाहियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इससे पहले फरवरी में एक कर्मचारी को इसलिए निलंबित कर दिया गया था क्योंकि वो बार बार रेडीमेड लंच लाने के लिए असमय अपनी सीट से चला जाता था। उसकी कंपनी ने कहा कि इस तरह से उसने कुल मिलाकर 6 महीने में 55 कार्य घंटे अपनी सीट से गैर हाजिर रहकर बर्बाद कर दिए थे।